आज आपने भादवाड़ी चौथ की कहानी सुनाऊं तो मान लै भाई कोई उकारो देने वालों नहीं वह तो फोन के मान नहीं चल आई अर जी अं कहानी सुनो जी अं उकारो दे दिया तो और अब शुरू करूं करो। तो एक डोकरी और बिको बेटो दो माँ बेटो या अच्छा तो वह डोकरी तो दूसरा के कातनू पीसनू करती यार वो बेटो है जो दूसरा का टोकड़ा चरा दो टोकड़ा चरा तो जना बाद वाली चौथ माता को बरतायो बरतायो जना बारह टाबर खेलता खेलता है अगर डोकरी में एक आइंकर है कि भाई आज मार चौथ को बरत है जो मैं तो चूरमू बनाऊँ अच्छा। चूरमू बनाऊँ जब भी आले बेटे नहीं क्यों क्यों तन तो भेज दे दूसरा का टोकड़ा चराने ने यार तानी माँ तो आपकी चूरमू बना बना रखा है जब वो आपको टोकड़ा छोड़ घर आ गयो घर आ गयो जनी क्योंकि भाई मैं तो कौन सा रहूँ दूसरा का टोकड़ा क्यों क्यों भया क्यों क्यों मन तो टोकड़ा चराने ने भेजे तू चूरमू बना बना रखा है अच्छा। क्यों भया मैं तो थार तई करूँ का चौथ को बरते क्यों मन गांटा मारता ही करे चाहे क्यों थार तई करूँ बेटा मैं जने क्यों क्यों मैं जाऊँ देखा नहीं कट से एक दानी चौथ माता मारा अड्डिया जेवे जना वो आपको ग्राउ जान लागो जना वो कहानी सुने जगह आख आया जगह बिन दे दिया क्यों थार में जटे ही संकट पड़े जटे ही थार में भीड़ पड़े ने बटे चौथ माता को नाम लेर कार का डाली अच्छा जहाँ आपको ग्राउ वीर उगे जा चालता चालता एक गाँव आयो भी मान डोकरी है जी माल फुआ पोवे रोवे क्यों डोकरी माई तू माल फुआ पोवे रोवे किया क्यों भाई माल पुआ तो यहाँ पोऊँ के ई गांव के माने न्याई बर्तना की गाल लेने कुमार बिक मान मिनक ने देवे जना न्याई पाके क्यों यहाँ पाके को नहीं अच्छा। ई वास्ते के आज माने बेटे की बारी है जो आज तो माल पुआ गाल देऊँ कि भाई पच में किन गाल सी चाहे क्यों डोकरी माई मन दा पर माल पुआ खुआ दे के धपार तू तन बेटे की जगह मैं उड़ जाऊँ क्यों भाई माल पुआ तो खाले बन बट मोट की गहरी मुकुंड जावे के नहीं डोकरी माई मैं उड़ जी सू जावा डोकरी माई कंजी मेरे बटे सो गयो अच्छा सो गयो जना रात नहीं बा न्याई गालन लग गया जाए लो पड़े डोकरी सारे बेटे ने भेज जाए क्यों भाया जा सी के क्यों हाँ डोकरी माई जा सियो जना आपको डोकरी माई नौकर सियो बरार लियो और ले गयो अच्छा ले गयो जना आपको जा रे बे बर्तन चीनन लग गया जना आप लाठी मार बैठ गयो बैठ गयो जना क्यों हे चौथ माता तू साची है मणि माँ मारता ही करती जा तो क्यों मैं जीवन तो निसर जो न्याई के मानू जीवन तो कोई को निसर गयो हाँ जाई भी न्याई का मानू मान न्याई ने तो दुखा हुई है जगह हुई है तो जना आपको चौथ माता कहानी सुनी था आखार आपको चारू मेर कार का डाली रात जोड़ बैठ गयो अच्छा। बैठ गयो जहाँ चारू मेर वहा बर्तन जचा जचूर न्याई का माने बड़ी तो गाल न्याई ने दुखा दी जना का तो न्याई पाकती 3 दिन आऊ अच्छा। रात ने न्याई का लीर सुबह ही भी कह कुमारी के बेटे की बूंगरो काटे जार कांकरे की लागी जना जार क्यों सासू जी न्याई तो पाक की क्यों 3 दिनों पाक है आज तो रात ही तो गल ली क्यों न्याई रात में बाकी क्यों थे देख लियो जना बाजार देख तो आपका कांसी कार पीतल का बर्तन हो अच्छा। गया जा पहली कहीं राजावा को राज तो ने जना कोई मत्ते काम करता को नहीं जा रावले में जार क्यों क्यों भाई माँ के तो कांसी पीतल का बर्तन हो गया गए माटी का बर्तन आज का कांसी हाँ पीतल का हो गया। कांसी कार पीतल का हो गया जने के भाई कांसी पीतल का हो गया तो आधा रावले पुगा दो आधा थे राख लियो अच्छा। जब ये बर्तन उतार बा लग गया जना भोक्यो क्यों भाई सावड़ धीरे धीरे उतारो मान मिनक कहे क्यों भाई मिनक तो जीव तो आज तक कोई नीचरियो कर तू क्या नीचरियो कोई भूत है कोई पलीत है क्यों मत कोई भूत न कोई पलीत क्योंकि हमारी माँ चौथ माता को व्रत करती जो आज हमारे चौथ माता अड्डी आई है कहे अच्छा। जना वो वाह चारू मेरू तो कांसी पीतल का ग्यार बिगे सारा सारा आज का काचा ही पड़िया जिया जचाया जिया का जिया बिगे तब कौन लग गए इन वास्ते यार बे आखा मान ले कार कडाई जगह का जुआरा उग गया जुआरा उग गया जना सगले नगरी का मान ने भाई हेड़ो दिरायो क्यों भाई की बहन पुरख की स्त्री बेटे की माँ 12 चौथ करो 12 नहीं तो 6 करो 6 नहीं तो 4 तो सही करो हे महाराज चौथ माता भी डोकरी के बेटे का अड्डी आई जिसी कहन तंग सुन तंग उंकारो दे तंग सेंक ही आई तो आ तो की चौथ माता की कहानी अब आपने सुनाती हूँ विन्याग जी की कहानी क्यों कह बलाई क्या की अपा किसी व्रत की कहानी सुनो बलाई विन्याग जी की कहानी नहीं सुने जब फल कौन मिले अच्छा विनायक जी सुनाओ इन वास्ते विन्याग जी की कहानी सुनाऊ सुनाओ। तो एक राजा की बाई ईज की फूलाऊ टूलती अच्छा पर बा कहीं ती के व्रत की कहानी सुन लेते उन विन्याग जी की कहानी कौन सुनती अच्छा कहती कहती मैं तो पराये पुरुष की कहानी सुनूंगा नहीं जा विन्याग जी क्यों क्यों भाई आज तो आप कौन सुने तड़के कोई और कौन सुन सी अपन तो कल जुग में कोई मानना ही को नहीं इनकी संकट दिखाड़ा अपा जनाबा राजा की बाई जी की का तो फूलाऊ तुलती का डगल डिंडा ही कौन उठा भाई माचे में पड़गी बा उठीस तो कौन भी हूँ यानी कि हालत कर दी जना भाई भी का भाई है जका आपका करने बैठे रहता
बैठा रहता जो एक दिन रात ने वे भाई ये जगह पेरो देवे का आपा पेरो देवा देखानी गए भैया इया क्यों हुई है गए। जब बिन्याग जी आपका बम रोबन रावर भी चारू मेर माचे के चारू मेर फेरिया देवे। अच्छा फेरिया देवे जना वो भी को भाई ये जो ढाल कर नीचे दाब लियो के भाई मन ढाल कर नीचे क्यों दाबियो क्योंकि भाई तू कौन है कि मारी बहन के फेरिया क्यों देवे है के तू चाहे क्यों मैं तो बिन्याग जी और थारी बहन है जी मारी कहानी कौन सुने क्यों चाहे इंके कड़क लगाऊ क्यों जहाँ क्योंकि भाई मैं कह देशा सुन ले आ कहानी क्यों इं क्यों कहीं कहीं ठा पड़े भाई पूरे मान ले सृष्टि में ठा थोड़ी पड़े कह इं थे के दौर आ सुन ले तो इको भाई सन ध्यान पढ़नू चाहिए जगह बिन्याग जी कहानी नहीं सुनया कहीं कष्ट भोगनू पड़े। तो बिन्याग जी क्यों कि भाई बड़ो धारा नगरी को मिंदर है बिन्याग जी को भी का कुआड़ है जगह बनू जिसी बलाई कोई बन मान ले मच कहो कौन खुले पर आ चिटली आंगली को सारो देसी ने जना वे कुआड़ खुल जिसी खुल जिसी जना आपका सुबह ही है जो को बड़ो बिन्याग जी महाराज को धारा नगरी को मिंदर वो जगह का कुआड़ है जगह बंद हो गया पुजारी जार देखो जाए कि भाई मिंदर तो खुला ही को नहीं जहाँ पूरे गांव का भेड़ा हो गया सह एक जो को रीजर दाप गया पर मिंदर का कुआड़ कौन खुले। अच्छा। कुआड़ कौन खुले छोटान बड्डान बुढ़ान बडेरान सह जत्ता भी गांव का मान आ जत्ता का जत्ता सह आ गया जाए क्योंकि भाई सह आ गया क्यों एक राजाड़ी बाई को नहीं क्यों बा किसी कुआड़ खोल न्याल कर तो फुला तुलती जो डगल डिंडा में कौन उठे चाहे कि भाई लियाओ तो शुरू लियाने में तंग कहीं लग गए गए जब राजा वाली बाई ने ले गया बस चिटली आंगली को सारो दियो और आपका विनायक जी महाराज के मिंदर का कुआड़ खुल गया क्यों भाई आ काई बात हुई क्यों आ काई काई बात हुई क्यों विनायक जी महाराज का कुआड़ ई वास्ते जड़ी जिया का आ विनायक जी महाराज की कहानी कौन सुनती गए। अच्छा। जना एक खातर ही तो जड़ी जार आ आंगली लगाई जाए खुलिया कह ई वास्ते ही कहे कि भाई कोई भी कहानी सुन लो पर विनायक जी की कहानी नहीं सुने जा कहानी को फल कौन मिले जरूरी है। तो तप्यो तपेसरी लोभ लोभेसरी तप्यन तपको पाल मानमा की कहानी को यमराज बिन्याग जी अधूरी है तो पूरी कर जो पूरी हुआ तो प्राण छोड़ जो भूली चुकी प्राचित मत लाग जो ना। तो आज के लिए तो राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे कहानी पूरी जरूर सुन जो और किसी की लागत की कॉमेंट में बता दिया और बढ़िया लागत तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दिया। तो ये प्रकार शिवंगी की दादी आपने बाद महीने की चौथ माता की कहानी सुनाई व साथ में विनायक जी यानी गणेश जी महाराज जी की भी कहानी सुनाई। तो कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार हर रोज़ कहानी सुनते रहें शिवंगी की दादी आपको हर रोज़ कहानी सुनाती रहेगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा राधे राधे जय गौ माता।